हाय एवरीवन, आज की जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि हम आलू का उपयोग करेंगे, वो ना केवल आपकी सनटैन को दूर करेगा बल्कि आपकी स्किन में हाइड्रेशन को भरेगा, ग्लो लेकर के आएगा, स्किन को नेचुरली ब्लीच करेगा और साथ ही साथ अगर डार्क स्पॉट है या आपकी स्किन में अनइवन टोन की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ज़रूर ट्राई करनी है आपको भी ये रेमेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक आलू। आलू में नेचुरल जो स्टार्च होता है ना, वही स्टार्च आपके टोन को दूर करता है, वही स्टार्च आपकी स्किन को ग्लो प्रदान करता है, वही स्टार्च स्किन को ब्लीच भी करता है और आपके पोर्स को भी श्रिंक भी करता है। तो एक आलू लिया है, पील किया उसको अच्छे से और उसको ग्रेट कर लिया, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है, देन आपने छान लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में होता है अल्फा आर्बुटिन जो कि आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है और साथ ही साथ स्किन को माइल्डली स्क्रब करता है, जिससे कि जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं और आपकी स्किन को मिलती है बहुत ही अच्छी सी फ्रेशनेस और ब्राइटनेस। तो एक चम्मच गेहूं का आटा ले लेंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, जिससे कि जो खोया हुआ ग्लो था वो वापस आएगा और कॉफ़ी आपके एजिंग साइन को भी डिले करती है। तो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे शहद। शहद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो स्किन में हाइड्रेशन को भर देते हैं। शहद अपनी स्किन में मॉइस्चर को भी लॉक करता है। तो हमने एक चम्मच हनी ऐड किया और जो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वो है दूध। कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए एक से दो चम्मच हम रॉ मिल्क ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए रखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए और उसके बाद आप अपने फेस को पहले कच्चे दूध से साफ करेंगे और उसके बाद आप ये पैक लगाएंगे अपने फेस के ऊपर। 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर वही दूध लेंगे और अपने फेस पे हल्के से मसाज करेंगे और वॉश कर लेंगे। इसको आप वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।